सो हाय एवरीवन, दिस इज भमीश यादव फ्रॉम आई डिलीवर। यार आज कोई मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, कोई मोटिवेशन नहीं बता रहा, आज मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ यार, जो मेरे साथ मेरी जेई प्रेप के दौरान हुई थी। और आपके ऊपर है यार, आप इसमें कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हो, निकाल पाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो यार कहानी है, इलेवेंथ एंड में जब लाइक रिसेंटली लॉकडाउन लगा था, तो इलेवेंथ एंड में यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, मेरा इलेवेंथ का फाइनली अच्छे से ख़त्म हो गया था, लाइक सारी चीज़ें रिवाइज हो गई थी, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। और कोरोना जब आया तो लॉकडाउन के बाद और ट्वेल्थ स्टार्ट होने से पहले कुछ गैप मिला था हम सबको, तो उस गैप में मैं सोचा कि यार क्या करते हैं, अब कुछ करने को तो है नहीं, पढ़ाई का वैसे ही मन नहीं कर रहा कि क्या करेंगे पूरा साल पढ़ के, मतलब इलेवेंथ काफ़ी एग्जॉस्ट कर चुकी थी मुझे। तो मैंने सोचा यार गेमिंग चैनल स्टार्ट करते हैं। गेमिंग का बचपन से ही शौक था, काफ़ी हार्डकोर मोबाइल गेमर हुआ करता था मैं कभी, तो गेमिंग चैनल स्टार्ट करते हैं यार। और ठीक है, धीरे धीरे इनिशियली तो कुछ वीडियोस नहीं डालने लगा, मतलब हल्की फुल्की डाल दी, बिना एडिटिंग के डाल दी, ये सब करने लगा। धीरे धीरे एडिटिंग भी टाइम लगाने लगी, कॉन्सेप्ट भी ढूंढने लगा कि अच्छा ये गेम खेल सकते हैं, यहाँ से पिकआउट करके ये गेम खेल सकते हैं, एडिटिंग करके आपको अच्छी वीडियो बना सकते हैं, तो इसमें टाइम जाने लगा। जब तक ट्वेल्थ स्टार्ट नहीं होती तब तक ठीक है, बट ट्वेल्थ एकदम स्टार्ट हो गई और उसके बाद गेमिंग चैनल तो लाइक पैशन बन चुका था तब तक। यार भाड़ में जाए जेई, लाइक जेई को तो मैं क्रिटिसाइज करने लगा था कि यार जेई फालतू एग्जाम है, स्कैम है, क्यों करते हैं, क्योंकि 10,000 बच्चों का सिलेक्शन है, बाकी बच्चों का क्या होगा, 9 लाख वगैरह, ऐसी फालतू बातें मैं करने लग गया था और अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया था कि हाँ यार गेमिंग चैनल स्टार्ट कर चुका हूँ, अब इस पर ध्यान देते हैं। तो अप्रैल में गेमिंग चैनल चल रहा था, मई में चलाया, जून में चलाया, और बस यही सोचता था कि 1000 सब्सक्राइबर कब हो, 1000 सब्सक्राइबर कब हो, और मुश्किल से शायद 100 सब्सक्राइबर हो पाए थे तब तक। और जेई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने लगा, लाइक क्लासेस भी थोड़ी बंक मारने लगा, प्रैक्टिस शीट्स रेयरली करता था, मतलब 11th में तो दबा के करता था, बट 12th में प्रैक्टिस शीट्स भी छूट गई थी मेरी ऑलमोस्ट। ये करते करते यार अगस्त आ गया। अब अगस्त में हमारा पहला, मैं एक कोचिंग में जाता था, बहुत रिनाउंड कोचिंग है यार, तो उसका हमारा पहला टेस्ट होता है, 12th का पहला फेस टेस्ट हुआ। अब फेस टेस्ट में यार औकात दिखा दी, लाइक जो 11th में स्कोर था उसका आधा मुझे आया, प्लस जो बच्चे मुझसे पीछे थे वो मुझसे आगे निकल गए, तो एकदम से ऐसे मुंह पे फट गया, लाइक एक्सप्लोजन हो गया, वैसे ही दिमाग फट गया कि यार ये क्या हो गया, लाइक जो मुझसे पीछे थे वो आगे आ गए, जो मेरा एक्चुअल पोटेंशियल था वो मेरा मार्क्स नहीं आए, तो काफ़ी हिट करी यार। और तब जाके जब एक दो दिन बैठा, पहले तो डिप्रेस हो गया यार कि ये क्या हो गया, लाइक कैसे। फिर जब बाद में रीट्रेस किया, अपने आप को बैक ट्रेस किया, तो देखा कि यार ये जो गेमिंग चैनल है ये मेरा मोर देन 60% ऑफ द टाइम खा रहा है और प्रिपरेशन को मैं इतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक डिसीजन लिया कि यार गेमिंग चैनल को बंद करते हैं, क्योंकि इस पर मुझे कुछ ग्रोथ दिख नहीं रही। जेई है शायद जिस पर मैं थोड़ा टाइम लगा के मेहनत करके उसे बढ़ा सकता हूँ, तो गेमिंग चैनल वहाँ से ड्रॉप कर दिया और जेई। अब दिक्कत ये थी कि मैं था 3 महीने सबसे पीछे और मुझे अगले 1 महीने में सबके साथ आना था, नहीं तो मेरी लाइक बैंड बज जाती, हाँ हिंदी में अगर आराम से बोलूँ तो बैंड बज जाती लेजिट। तो अब उसका एक रोड मैप बनाया यार, और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपका थोड़ा सा सिलेबस पीछे है तो यार ध्यान से सुनना कि मैंने कैसे किया, शायद आप रेजोनेट कर पाओ और शायद आप एक अच्छा प्लान बना पाओ। तो इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने जॉट डाउन कर लिए चैप्टर्स कि कौन कौन से मुझे करने हैं, तो केमिस्ट्री के कुछ एक्स चैप्टर आए, मैथ्स के वाई आए और फिजिक्स के जेड आए। अब उन चैप्टर्स में से पहले मैंने निकाले इजी चैप्टर जो मैं पिक आउट कर सकता हूँ, मैथ्स में ये इजी हो गया, केमिस्ट्री में ये इजी हो गया और फिजिक्स में ये इजी हो गया। उसके बाद उन इजी चैप्टर्स को मैं यूट्यूब पे सर्च मारा, काफ़ी लेक्चर्स है एंड थैंक गॉड लाइक अलक पांडे सर के काफ़ी लेक्चर्स थे और आई डीपली रिस्पेक्ट हिम आज तक, लाइक वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अलक सर के काफ़ी सारे वीडियो सीरीज थी पर्टिकुलर चैप्टर पे, तो एक चैप्टर मैंने केमिस्ट्री का उठाया, मैंने बिंग वॉच करी उसकी सीरीज, लाइक 45 मिनट्स के लाइक लेक्चर्स हुआ करते थे, तो फ़ोन हमेशा हाथ में रहा करता था, इवन लाइक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो लेक्चर चल रहा है, खाना खाते हूँ तो लेक्चर चल रहा है, इवन खाना खाने के बाद कभी वॉकिंग करने फ्रेश एयर में तो भी हाथ में हाँ लेक्चर देख देख के वॉक, क्योंकि अब करनी भाई बैक ट्रेस नहीं कर सकते ना, एक्सक्यूज़ क्या बनाएंगे, गलती तो हमारी थी कि हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गेमिंग पे, तो ऐसे ही करने लगा। प्लस लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी देख रहा था, बस लेक्चर्स के बाद मेरी एक और मैंने बनाया था कि रोज दिन का मुझे 25 क्वेश्चन करना ही है, इवन फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तीनों सब्जेक्ट से रोज मुझे मिनिमम 25 क्वेश्चन करने हैं, अपने मटेरियल से, रेफरेंस बुक हो गई या पीवाईक्यूज कुछ भी हो, लेकिन 25 क्वेश्चन का मिनिमम टारगेट पूरा होना चाहिए।
टाइम बचा तो और भी कर सकते हैं। और इसका ये फायदा हुआ कि यार मुझे जैसे इजी चैप्टर पिक करके करने लगे, उनके क्वेश्चन करने लग गया, फिर हार्ड और चैप्टर उठाए, फिर ऐसे करने लगा, तो जो सिलेबस मेरा लाइक 3 महीने का छूटा हुआ था वो 1.5 मंथ में पूरा हो गया था। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी यार, और ये एक छोटा सा किस्सा था जो लाइक अगर मैं ना गिव अप करता अपने गेमिंग चैनल पर तो शायद आज मैं जहाँ हूँ आप लोगों को ये बातें बताने के लिए शायद मैं ना हो पाता, शायद मैं ड्रॉप भी लेना पड़ जाता मुझे, या कुछ और भी हो सकता था, बट जो होता हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और YouTube का ड्रीम भी यार अब धीरे धीरे लाइक काम कर रहे हैं उस पर भगवान की दया से। और यार जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने जो अपनाई आप अपना सकते हो, शायद आपके लिए काम ना करे, शायद आपके लिए बहुत अच्छी तरह काम कर जाए, बस एक रोड मैप दिया मैंने यार, इसे मॉडिफाई करना आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करते हो। तो बस इसी के साथ भवमेश यादव फ्रॉम ऊंचाई साइनिंग ऑफ।